हमारे सामने जो अगला सवाल है वो सवाल नंबर 65 मुख्तसर है, बिल्कुल मुख्तसर, 2-3 लाइन में है और ये हमारी तरबियत के लिए बहुत अहम सवाल है। वो सवाल क्या है? एक शख्स, कहते हैं सवाल क्या है कि एक शख्स जो किसी बिदात का मुर्तकिब है, यानी एक शख्स है जो कोई बिदात कर रहा है, कोई बिदात कर रहा है, बिदात में पड़ा हुआ है, लेकिन वो जानता नहीं है कि ये काम बिदात का है, लाइल्मी में बिदात का काम कर रहा है, लाइल्मी में बिदात के काम में पड़ा हुआ है। क्यों? इसलिए कि उसे हक नहीं पहुंचा है, उसे ये बात नहीं मालूम है, नहीं हक पहुंचा है कि भाई ये काम बिदात का काम है। अब वो बिदात कर रहा है, उसका इल्म नहीं है और बिदात है ये बात उस तक पहुंची नहीं है। तो क्या कहते हैं कि तो क्या उसे उस अमल का सवाब मिलेगा या उसका अमल ही कबूल नहीं होगा? बिदात की बात चल रही है, गुनाह की बात नहीं चल रही है। बिदात गुनाह है, बिदात बड़े गुनाहों में से बहुत बड़ा गुनाह है, इसमें शक नहीं है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये बिदात की बात चल रही है, गुनाह की बात नहीं चल रही। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? गुनाह आदमी करता है तो ये जानता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, गलती कर रहा हूं, ये काम है नहीं सही, इस्लाम के खिलाफ है, अल्लाह की नाराजगी है, नबी वगैरह। लेकिन बिदात को तो दीन समझ के आदमी करता है, सवाब का जरिया समझ के करता है, तो है ये गुनाह। बिदात तो बड़े गुनाहों में से बड़ा गुनाह है, एक है कि नहीं, शिर्क के बाद। लेकिन ये बिदात कर रहा है। अब बिदात कर रहा है इसका मतलब ये है कि उसके दिल में कहीं ना कहीं सवाब की नीयत है। उसकी एक मिसाल मीलाद की ले लो, सवाब की नीयत से आदमी करता है, अल्लाह के नबी की मीलाद है, अल्लाह के नबी की पैदाइश है वगैरह। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस वक्त भाई मीलाद बिदात है, ये कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम मान लें कि कोई आदमी ऐसा भी है जो नहीं जानता है कि मीलाद बिदात है और लाइल्म में काम कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको बताया नहीं गया कि बिदात है, इसलिए कर रहा है क्योंकि अल्लाह के नबी की पैदाइश है। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? लोग कहते हैं अल्लाह के नबी की सीरत है, मीलाद मनाना अल्लाह के नबी की सीरत है। खैर, अल्लाह के नबी की सीरत में मीलाद तो है ही है, पैदाइश तो आपकी हुई ही है, लेकिन मीलाद जो ये चल रहा है, मीलाद का निज़ाम चल रहा है, इसका कोई दीन से ताल्लुक नहीं है। तो कहते हैं कि अगर कोई आदमी इस तरह से कर रहा हो तो क्या उसको उस काम का सवाब मिलेगा या सवाब नहीं मिलेगा? ठीक है, सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? सवाब मिलेगा। क्या सवाब मिलेगा या उसका अमल मरदूद होगा? लेकिन जबकि उसकी नीयत इबादत की है, नेकी की है, सवाब की नीयत, ये सवाल है। ये सवाल भी उभर जाता है, कभी कभी उभरता है, और ख़ास तौर पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मौका आता है तभी ये मसला अक्सर बेशतर उभरता है। और इसलिए कि मसला अल्लाह के नबी का होता है, सीरत का मसला होता है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत का मसला होता है, आपकी पैदाइश पर खुशी मनाने का मसला होता है, इसलिए ये मसला पैदा हो जाता है। और मैं आपको ये भी बतला दूँ, इशारा कर दूँ, तफसील में तो नहीं जाना है लेकिन इशारा करना है कि ये बात बाज़ उलमा के ज़बान और कलम से निकल भी गई है। मीलाद के मसले में, अल्लाह के नबी की पैदाइश के मसले में ये जो बिदात चल रही है, इस बारे में इक्का दुक्का उलमा के कलम से, ज़बान से इस तरह की बात निकल भी गई है कि उम्मीद है कि उसे सवाब मिले, उम्मीद है कि उसे सवाब मिले, ये कौल निकल गया है। लेकिन ये बात सही नहीं। ये बात क्यों कही उन्होंने? ये बात उन्होंने उसी जज्बे से, उसी हिसाब से कही कि भाई बिल्कुल सही है कि मीलाद इस्लाम में नहीं है, और वो आदमी जो मीलाद मना रहा है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है, अक़ीदत रखता है, आपकी पैदाइश, ज़ाहिर है कि दुनिया में आपकी आमद ये सारी इंसानियत के लिए सबसे बड़ी एक रहमत है, इसी जज्बे से वो मीलाद मना रहा है। लेकिन चूँकि है नहीं मीलाद, साहबा ने नहीं मनाया, अल्लाह के नबी ने नहीं मनाया, लेकिन वो जो जज्बा छुपा हुआ है कि वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत की बुनियाद पर ये काम कर रहा है, उम्मीद है कि उसे सवाब मिल जाए, ये इज्तिहाद है। ये क्या है? इज्तिहाद है। इज्तिहाद सही भी होता है, इज्तिहाद का मतलब क्या है? मसले का हल तलाश करने की कोशिश करना, मसले का जवाब जानने की कोशिश करना, या मसले का जवाब देने की कोशिश करना। अब इज्तिहाद किया, मसले का जवाब देने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म ने। अब वो जो कोशिश है वो कभी कोशिश सही जवाब तक पहुंच जाती है और कभी कोशिश सही जवाब तक नहीं पहुंचती है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस हम जानते हैं ना कि इज्तिहाद करने वाले को दो में से एक ज़रूर मिलता है। इज्तिहाद किया, इज्तिहाद सही रहा तो इज्तिहाद करने का सवाब और सही जवाब मिलने का सवाब, सही तक पहुंच जाने का सवाब। और अगर इज्तिहाद किया और इज्तिहाद अगर सही नहीं हुआ तो भी उसको इज्तिहाद करने का सवाब मिलेगा, लेकिन चूंकि इज्तिहाद सही नहीं हुआ इसलिए डबल सवाब नहीं मिलेगा, एक सवाब मिलेगा। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, इज्तिहाद कौन करेगा? इज्तिहाद कौन करेगा? इज्तिहाद वही करेगा जो उस मैदान का है, उस फील्ड का है। समझ रहे हैं ना? उसकी बहुत मोटी मिसाल है। अब कोई कह सकता है कि एक आदमी आलिम नहीं है या एक छोटा तालिब इल्म है ना, तालिब इल्म है। अब ये तालिब इल्म अगर कहे कि मैं इज्तिहाद करूँगा, मेरा इज्तिहाद सही होगा तो दो सवाब मिलेगा, इज्तिहाद गलत होगा तो एक सवाब तो मिलेगा ही, गुनाह नहीं मिलेगा। तो क्या ये इज्तिहाद करना जायज़ है छोटे तालिब इल्म के लिए? नहीं जायज़ है। क्यों? इसलिए कि वो इज्तिहाद का अहल ही नहीं है, वो इज्तिहाद के लायक नहीं है। उसकी एक मिसाल ले लें। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या कहते हैं इसको, वायरिंग है ना, लाइट जो इसका जो वायर पूरा सप्लाई किया गया, बनाया गया है। अब मिसाल के तौर पर किसी नुक्ते पर ये शक हो जाए कि इस वायर को कनेक्ट करने से ये सारा निज़ाम चालू हो जाएगा या इसके कनेक्ट होने से ब्लास्ट हो जाएगा। खतरा है कि नहीं? खतरा है। दोनों में से एक है, या तो वो होगा या तो वो होगा। अब सवाल है कि क्या एक बिल्कुल बच्चा अभी नया नया स्टूडेंट जो वायरिंग और इलेक्ट्रिक का काम सीख रहा हो, क्या वो इज्तिहाद करेगा इसके अंदर? भाई इस नाजुक मोड़ पर कोशिश कौन करेगा? जो इस लाइन का एक्सपर्ट होगा, आला से आला तजर्बा होगा, उसको लंबा एक्सपीरियंस होगा, उसको बारीकियों का पता होगा, 20 साल 25 साल गुजारा होगा, उसको हम लाएंगे। भाई ये मसला फंसा हुआ है, लाइट जल नहीं रही है, यही एक वायर छूटा हुआ है, अब समझ में नहीं आता, इसको जोड़ दे तो जल जाएगा, ये पूरा निज़ाम रोशन हो जाएगा या कहीं सब जल ना जाए, ब्लास्ट ना हो जाए। इज्तिहाद कौन करेगा? जो उस मैदान का माहिर होगा। उस मैदान का छोटा भी जो होगा वो भी इज्तिहाद नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि अभी वो इस काबिल नहीं है कि वो इतने नाजुक मोड़ पर अपनी कोशिश का इस्तेमाल करे। कोई छोटा मसला होता तो ठीक है, एक बोर्ड के अंदर वायरिंग करनी होती, 2 पॉइंट देना होता तो ठीक है, उसको इज्तिहाद करवा लेते उससे, क्योंकि वो आसान चीज़ थी, नॉर्मल चीज़ थी। यहाँ इज्तिहाद उसका दुरुस्त नहीं है। ये इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नए नए हमारे तलबा उलमा, नए उलमा कम इल्म, मुझ जैसे तलबा भी कभी कभी जुरत करने लगते हैं। क्या इज्तिहाद? क्या कहेंगे? मेरे नज़दीक ये राजिह है, इस मसले में इख्तलाफ है। कहेंगे इस मसले में इख्तलाफ है, इस मसले में दलील वाज़े नहीं है, दोनों तरह की बातें हैं, 3 तरह की बातें हैं। मैं राजिह ये समझता हूँ कि हलाल होना चाहिए, मैं राजिह समझता हूँ नाजायज़ होना चाहिए। मेरे नज़दीक राजिह ये है, मेरे नज़दीक कवी कौल राय ये है। क्या ये जायज़ है? नाजायज़ है। हम इस लायक नहीं है कि हम अभी से राजिह मरजू करें, इस सलाहियत के नहीं है कि हम मसाइल के अंदर इज्तिहाद करें। और इज्तिहाद किन मसाइल में होता है? जिन मसाइल में किताब और सुन्नत की कोई दलील नहीं होती है या दलील वाज़ेह नहीं होती है, वहाँ इज्तिहाद करने की नौबत आती है। वरना दलील मौजूद हो तो इज्तिहाद करना हराम है। दलील मौजूद हो तो दलील को पेश करके जवाब देना है, उसके बाद अपनी सोच, अपनी फिक्र, इसका इस्तेमाल करना जायज़। लज्तिहादा मअन नस, नस के होते हुए यानी आयत हदीस के होते हुए सरी इज्तिहाद करना मना है, इज्तिहाद करना मना है। लेकिन आमतौर पर क्या होता है? ऐसा होता है, उलमा, छोटे उलमा छोड़ दो, तलबा छोड़ दो, आम लोग जिसको हम अक्सर व बेशतर बात भी होती रहती है, जो गैर मैदान के लोग हैं, ब्रदर्स जिनको कहा जाता है, जो मुख्तलिफ उलूम के, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के माहिरीन हैं, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है वगैरह, अब ये लोग भी इज्तिहाद करते हैं, ये लोग भी इज्तिहाद करते हैं। मेरे भाई बताओ अगर कि बड़े बड़े सहाबा अगर किसी नाजुक मसले में इज्तिहाद करने से कतराएं और अपने से बड़े सहाबे किराम को रिफ़र करें कि उनसे जा कर के पूछ लो, वो जवाब देंगे, तो आप बताइए कि यार आज उलमा भी नहीं, तलबा भी नहीं, बल्कि इल्म के मैदान के लोग भी नहीं हैं, और वो भी नाजुक नाजुक मसले में दुनिया को क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। और मिसाल में दे चुका हूं। अच्छा नहीं, ये मिसालें तो बहुत पहले की हैं, जो मिसालें इस वक्त देने की हैं वो ये कोरोना काल की मिसालें हैं, है ना। मसाजिद में नमाजें बंद कर दी गई, नहीं बंद कर दी गई, हरमैन शरीफैन में भी नमाजें बंद हो गई, है कि नहीं। और जो 10-20-50 लोग नमाज पढ़ते थे वो भी फासले के साथ, ऐसे भी फासला और ऐसे भी फासला, सफ़े भी 15-15 फुट 10-10 फुट के फासले पर, और ऐसे भी फासला 10-10 फुट का, देखा होगा आप सब लोगों ने। मेरे भाइयों, इस नाजुक मौके पर कि ऐसी वबा दुनिया में आम हो गई है जिसकी वजह से लोग दूर दूर रहें तो बीमारी से तहफ्फुज़ हो सकता है ना। करीब होने से, मिलजुल कर इकट्ठा रहने से ज़्यादा फैलने का अंदेशा। रोकथाम की राह यह है सुन्नत के मुताबिक कि वबाओं की हालत में दूर रहा जाए, फासला रखा जाए वगैरह। इस नाजुक मसले पर इख्तलाफ कर लिया लोगों ने, इख्तलाफ कर लिया। बड़ी तादाद जो मनहज पर चलने वाली है, ठोस इल्म रखती है, उन लोगों ने कहा कि बिलाशुबा इस तरह की वबाओं में, इस तरह के जब जरासीम फैल जाए तो ऐसी सूरत में तहफ़्फ़ुज़ का तरीक़ा सुन्नत का यह है कि बिल्कुल फ़ासला रखा जाए, फ़ासला रखने में कोई हरज नहीं है। मसाजिद में चूँकि महल्ले के हर तरह के लोग आते हैं, हाजिर होते हैं, और मिलजुल करके नमाज पढ़ना होता है, ऐसी सूरत में तहफ़्फ़ुज़ करना मुश्किल है। इसलिए मस्जिदों में इकट्ठा होने के बजाय लोग अलग अलग, 2-2, 4-4 जो अपने अपने घरों से आते हैं, अपने घरों में नमाज पढ़ लिया करें। इसका ऐलान हो गया सारी दुनिया के अंदर। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद तो इस चीज़ को समझ चुकी और अमल करने लगी, लेकिन कुछ उलमा, बाज़ उलमा, चंद उलमा, वो अरब के लोग भी हैं उसके अंदर, उन लोगों ने, जबकि वो उलमा हैं, जबकि वो क्या हैं, बड़े उलमा हैं, लेकिन इज्तिहाद बड़ी तादाद का इज्तिहाद ये था, और चंद लोगों ने इज्तिहाद किया तो क्या कहा, नहीं कुछ भी हो जाए मस्जिदों में नमाज पढ़ना बंद नहीं करेंगे। मस्जिद अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, यहाँ अल्लाह अल्लाह होता है, यहाँ क्यों हम इसको वीरान करें, यहाँ क्यों नमाज नहीं पढ़ेंगे। अरे कोरोना है, बीमारी है, फैलने का अंदेशा है, इकट्ठा होने का मसला है ना, चाहे मस्जिद में इकट्ठा हो, चाहे मॉल में इकट्ठा हो, इकट्ठा होना मसला है यार, है कि नहीं। लेकिन उन्होंने उसको दूसरे नुक्ते पर समझा, अल्लाह के घर में है हम, अल्लाह की इबादत करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ तो दुआ करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, अल्लाह से रोएंगे तो कोरोना ख़त्म होगा, वबाएँ ख़त्म होगी, यहाँ क्यों मना किया जा रहा है नमाज नहीं पढ़ेंगे। अब इसको ऐसा मसला बना दिया, जबकि आप सोचिए बहुत मामूली सी बात है, इससे कहाँ इनकार है कि ये मस्जिदें हैं, यहाँ इबादत होगी, अल्लाह की बंदगी होगी, दुआएं होगी, सब कुछ, इसमें कहाँ इनकार है। मसला इससे ताल्लुक़ ही नहीं रखता। मसला ताल्लुक़ किससे रखता है, इकट्ठा होने से। नमाज से मना किया जा रहा था कि इकट्ठा होने से मना किया जा रहा था, दोनों अलग नुक्ते हैं, वो अलग नुक्ता, वो अलग नुक्ता है। मसला नमाज पढ़ने से मना करने का नहीं था, मसला इकट्ठा होने का मसला था, है कि नहीं। तो इकट्ठा होने से बचने के लिए मस्जिदों में पढ़ने के बजाय घरों में पढ़ो। घरों में हर आदमी अपने घर का अपने घर में पढ़ेगा, वो उसके साथ नहीं जाएगा, वो उसके साथ नहीं जाएगा, मस्जिदों में सब के साथ में रहेंगे, फिर पाबंदी नहीं हो पाएगी। खासतौर हरमैन शरीफैन में जहाँ नॉर्मल हालात में 2 लाख आदमी नमाज पढ़ते हैं, आप बताइए कैसे तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इतने लोगों को दूर करने के लिए, ऐसे दूर करने के लिए कितनी तादाद चाहिए, इतना बड़ा मसला है। बहरहाल एक तबका, चंद उलमा का क्या कहने लगा कि नहीं मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी, ये बिल्कुल गलत है, और पूरी तारीख में कभी नमाज मस्जिदों में बंद नहीं हुई, और कभी हज बंद नहीं हुआ, कभी उमरा बंद नहीं हुआ वगैरह, ये सब इमोशनल बातें करने लगे। लोगों ने समझाया, जो दूसरे उलमा थे, कि भाई इससे कहाँ इनकार है, हज उमरा नहीं बंद कर रहे हैं हम, मस्जिदों में नमाज नहीं बंद कर रहे हैं, मसला हम दूर रखने के लिए तहफ़्फ़ुज़ की खातिर कह रहे अपने घरों में पढ़ो। और ये कहना कि कभी हरम में नमाज बंद नहीं हुई, कभी हज बंद नहीं हुआ, ये तारीख के ख़िलाफ़ है, ये तारीख के ख़िलाफ़ है। और आपने देखा होगा 40 से ज़ायद वाक़यात तो लोगों ने इकट्ठा किए, सियासी हालात, सियासी उथल पथल की वजह से, वबाओं की वजह से, दंगे और फसाद की वजह से, कुछ दुश्मनों के हमले की वजह से कभी मामला ख़राब हो गया, ऐसे कई वजूहात से 40 से ज़ायद मरतबा हज मुअत्तल रहा है, हज नहीं हुआ है। तो फिर ये कहना इमोशनल बात कि मस्जिद में आने से मना करते हैं, ये है और वो है। मेरे भाइयों, किसने बताया, कौन सी दलील हमारे पास है जिससे ये पता चले कि मस्जिद में आकर के इबादत करने वालों को वबाएं नहीं लगेंगी? इमोशनल बात नहीं करना, उसूल पर चलना है। हमें दुआएं सिखलाई गई, दुआएं सिखलाई गई, अल्लाह हम वबाओं से पनाह मांगते हैं, बीमारियों से पनाह मांगते हैं, कोढ़ से पनाह मांगते हैं, है कि नहीं, बरस से पनाह मांगते हैं, हर बुरी बीमारी से पनाह मांगते हैं। बिल्कुल मांगते हैं पनाह। क्या पनाह की ये दुआ पढ़ लेंगे तो क्या पक्का हमें बीमारी नहीं लगेगी? ये शरई वसीला है कि हम दुआ करें। और ये मस्जिदों में फासला करना या मस्जिदें में नमाज पढ़ने के बजाय घरों में पढ़ना, ये ज़ाहिरी वसीला है, ये ज़ाहिरी वसीला है। दुआएं पढ़ना ये शरई वसीला है। इन दोनों वसीलों का इस्तेमाल करना ये हमें अल्लाह के नबी की तरफ से हुक्म है, हम इस पर अमल करेंगे। लेकिन कोई दलील ऐसी नहीं है कि जो आदमी मस्जिद में इबादत के लिए आ रहा है, इकट्ठा होगा तो उसको कोरोना या दूसरी वबा नहीं लगेगी। ऐसी कोई ज़मानत है कहीं भाई? ऐसी कोई ज़मानत है? कोई ज़मानत नहीं है। अगर ऐसी ज़मानत होती तो अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी के सहाबा को कभी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अबू उबैदा बिन जर्राह ताऊन अमवास वफ़ात पाए कि नहीं वफ़ात पाए? ताऊन अमवास 19 हिजरी में हज़रत उमर के ज़माने में ताऊन अमवास पेश आया। ताउन वबा फैल गई इसे कोरोना की तरह, और कोरोना तो एक मिसाल है, कुछ भी नहीं। कोरोना जितने पूरे जितनी मौत दुनिया के अंदर हुई होगी वो परसेंटेज कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों, ताऊन अमवास में इतनी अमवात हुई कि लोग पागल हो गए। मरने वालों की तादाद ज्यादा, बचने वालों की तादाद कम, ये हालत होगी। सहाबे किराम थे, उनसे अच्छा दुनिया में कोई पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। जन्नत की बशारत पाने वाले सहाबा वबा में वफात पाए कि नहीं वफात पाए? तो इमोशनल बात करके फायदा नहीं है कि मस्जिद में रहेंगे तो यहां तो कोरोना दूर होता है, यहां तो दुआएं घर से नहीं हो सकती हैं क्या? नमाज मस्जिद में नहीं हो सकती है? नमाज से, दुआ से, अल्लाह से रोने से कौन मना कर रहा है? ये तो किसी ने मना ही नहीं किया, इसका तो हुक्म दिया जा रहा है कि भाई इकट्ठा मत हो, अपने घरों में अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो ताकि अल्लाह ताला हमारी इस वबा को खत्म कर दे, उठाए। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इज्तिहाद कौन करेगा। अब खैर ये मसला हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि अरब के चंद उलमा जो इस तरह की बातें मतलब कह रहे थे, उनकी समझ में बात, लोगों के समझ में बात आ गई। बाद लोगों के समझ में बात नहीं आई तो उनका अपना स्टैंड वही रहा, उसी पर वो चलते रहे। लेकिन मस्जिदें बंद थी, खैर अपना नमाज पढ़ा होगा उन्होंने अपने घरों के अंदर। अपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी चंद उलमा ऐसे रहे, पड़ोसी मुल्क के अंदर भी कुछ उलमा ऐसे रहे जो इमोशनल अंदाज की बात करने वाले लोग हैं। उन्होंने यही बात कही, मस्जिदों से कोरोना नहीं फैलता, मस्जिदों से कोरोना ख़त्म होगा, अल्लाह वास्ते मस्जिदें बंद वगैरह, इस तरह की बातें लोगों ने की। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप देख लीजिए कि हालात दुनिया के कैसे हुए। आज इस मसले में इन बड़े उलमा से गलती हुई कि नहीं हुई? बड़े उलमा जो लोगों ने कहा कि मस्जिदों में नमाज पढ़ना है, नमाज नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये तो उलमा थे। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग जो इल्म के मैदान के लोग ही नहीं, इल्म के मैदान के लोग नहीं, वो भी इतने नाजुक मसले में इज्तिहाद करने लगे और लोगों को फतवा देने लगे कि नहीं, मस्जिदों में नमाज पढ़ो, इकट्ठा हो, अल्लाह से रो, और कोई कोरोना मस्जिद के अंदर नहीं फैलेगा। और बड़ी बातें कि ये दुआ पढ़ लो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा'स्मिही शै'उन, अल्लाह की कसम कोई कोरोना नहीं छुएगा। अच्छा, जिन सहाबा की मौत हुई है वबाओं में, वो सब ये दुआएं नहीं जानते थे? बताओ भाई, कितनी मोटी बात है कि नहीं? मोटी बात है, प्रैक्टिकल बात है, कोई थियरी तो है नहीं, खाली प्रैक्टिकल बात है कि क्या वो सहाबा जिनकी मौत वबाओं में हुई या इस वक्त जिन उलमा की, बड़े बड़े उलमा की और बहुत सारे मुसलमानों की वफात हो गई, क्या उन लोगों ने बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा'स्मिही शै'उन फ़िल अर्ज़ वला बिस्समा ये दुआ नहीं पढ़ी? क्या उसूल के खिलाफ बात है, उसूल से हटी हुई बात है। हमारे पास कोई ऐसी दलील नहीं है मेरे भाइयों जिससे ये साबित हो कि मस्जिद में अगर कोई आदमी नमाज की पाबंदी करके जाएगा, जाके पाबंदी से नमाज पढ़ेगा तो उसको वबा नहीं लगेगी, उसको कोरोना नहीं लगेगा, उसको फलां बीमारी, फलां महामारी, ऐसी कोई दलील हमारे पास मौजूद नहीं है। आम बात है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। कितनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए कि नहीं बीमार हुए? सहाबे किराम पर जादू, अल्लाह के नबी पर जादू हुआ कि नहीं हुआ? सहाबे किराम बीमारी में मुब्तला हुए कि नहीं हुए? ये कौन सी बात है मेरे भाई। अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है, इसमें अच्छे बुरे सब आजमाए जाते हैं। मसला ये है कि ईमान के साथ अमल साले के साथ हम दुनिया से उठा लिए जाएं, ये हमारी कामयाबी है। ऐसा नहीं है कि जो आदमी बड़ा अल्लाह वाला रहेगा उसको कोरोना नहीं पकड़ेगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक इतनी नाजुक बीमारी में मुब्तला क्यों रहे? उनसे भी नेक कोई हो सकता है? ये सब बातें तो कहने का मतलब ये कि इज्तिहाद वो करेगा जो इल्म वाला होगा और इज्तिहाद के दर्जे का इल्म वाला होगा। आज ये लोग खैर जो आलिम नहीं हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई हाफिज जी हैं, कोई वकील हैं, कोई फलां है, कोई फलां, ये सब इज्तिहाद कर रहे हैं, उम्मत को बड़े बड़े मसाइल में गाइड कर रहे हैं। मेरे भाई ये तो इसमें बड़ी मुश्किल है। एक तो इतनी बड़ी जुरत कि जिस मसले में उम्मत के किबार उलमा ने, उम्मत के सबसे बड़े उलमा जो मुमलकत सऊदी अरब और दीगर ममालिक के अंदर हैं, किताब और सुन्नत के उलमा, उन लोगों ने ये इज्तिहाद करके फैसला उम्मत को बता दिया। उसके बाद एक आदमी जो आलिम भी नहीं है, तालिब इल्म भी नहीं है, वो आदमी उसके खिलाफ उम्मत को रहनुमाई कर रहा है और अपने फेवर के लोगों को, अपने फॉलोअर्स को क्या कर रहा है? वो करीब कर रहा है और कह रहा है कि बिल्कुल गलत है ये फतवा। मेरे भाई जुर्म, जसारत, ढिठाई है, ये तजावुज़ है, ये बिल्कुल नहीं, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरे भाइयों खैर बात ये कह रहा था कि इस सवाल का जवाब, ये सवाल क्या हुआ, कोई आदमी ला इल्म बिदात का काम करे तो क्या उसको सवाब मिलेगा या पूरे तौर पर उसकी उसका वो नेक अमल कबूल ही नहीं होगा? इसका जवाब शेख सालिह फौज़ान कहते हैं उसे उस अमल का सवाब नहीं मिलेगा और यही बात राजे है। ये बात क्या है? राजे है। शेख सालिह फौज़ान हफिज़हुल्लाह ने जो बात कही है यही बात उम्मत के सारे उलमा का मौक़िफ़ है। ये राजे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजे में नकल कर रहा हूँ, ये राजे में नकल कर रहा हूँ। इसका सवाल सवाल का सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि ये गैर मशरू है। वो बिदात है ना, शरीयत की चीज़ नहीं है, बिदात है। बिदात मशरू नहीं है, वो बिदात है, इसलिए उसका सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जिहालत के उज़्र के सबब वो गुनहगार नहीं होगा। अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो बिदात जिसको नेकी समझ के कर रहा है उसका सवाब मिलना, सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा मसला वो बिदअत कर रहा था, उसको बिदअत करने का गुनाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दो में से एक का जवाब ये है कि उसका वो अमल कबूल नहीं होगा क्योंकि वो गैर मशरू है, शरीयत की चीज़ ही नहीं है, बनावटी चीज़ है, निकाली हुई चीज़ है। और दूसरी चीज़ उसको गुनाह इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो लाइल्मी में ये काम कर रहा है और सवाल में लिखा हुआ है कि उस तक वो हक बात पहुँची ही नहीं, उसको वो दीन समझ के कर रहा है, सवाब समझ के कर रहा है, इसलिए उसको उसका सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जहालत और ला इल्मी की वजह से मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो शख्स माजूर होगा, गुनहगार नहीं होगा कम से कम। अब ये जो मसला है इस पर कभी इंशाअल्लाह बात करेंगे। ये उन्वान खाली आपको बताना है कि जहालत की बुनियाद पर उज़्र, उज़्र बिल जहल जिसको कहा जाता है, ला इल्मी का उज़्र कहाँ कहाँ चलेगा, कब कब चलेगा, किस किस मसले में चलेगा, कहाँ कहाँ नहीं चलेगा, किस किस मसले में नहीं चलेगा। जहालत का उज़्र इस टाइटल का ज़ाब्ता क्या है? कब जाहिल माना जाएगा? आज मीडिया का दौर है कि नहीं? जल्दी कोई चीज़ छुपती तो नहीं है। बस आदमी अगर पूरा दिन मीडिया पर रहे, सियासी खबरों पर घंटों लगाए, फिल्मों पर घंटों लगाए, या मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं इंटरटेनमेंट के जो रास्ते हैं मीडिया पर उसका इस्तेमाल करे, या यूं ही फेसबुक पर सर्फिंग करता रहे कई घंटे मिसाल के तौर पर, लेकिन वो सारे काम करे, वो एक घंटा अपने 24 घंटे में से इल्म हासिल करने के लिए न लगाए और कभी न लगाए, किसी इल्म की मजलिस में न बैठे, कोई किताब कभी न पढ़े, और उसकी उम्र 20, 30, 40, 50, 60 साल की अगर हो तो क्या वो इस सिलसिले में माजूर होगा कि उसको इस बिदात का पता नहीं था कि ये बिदात है? क्या उसको माजूर माना जाएगा या माजूर नहीं माना जाएगा? ठीक है, वो सामने उसके बात नहीं आई, लेकिन उसके पास वसीला था कि नहीं इल्म हासिल करने का? जिस मोबाइल और जिस नेट वाले इंटरनेट की फैसिलिटी के साथ वो इस्तेमाल कर रहा है, उस पर अगर गाने बजाने हैं, उसके ऊपर अगर फिल्में हैं, उसके ऊपर अगर खबरें हैं, तो उसके ऊपर इल्म का रास्ता है कि नहीं है उसके अंदर। उसके बावजूद उसने कभी भी 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटे भी इल्म हासिल करने के लिए नहीं लगाया। क्या उसे माजूर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो बहरहाल ये मुस्तकिल एक उन्वान है, अल-उज़्र मसअलतुल उज़्र बिल जहल, जहालत ला इल्मी की बुनियाद पर माजूर माने जाने का मसला, ये एक मुस्तकिल मसला है। इस मसले पर उलमा ने किताबें लिखी हैं, रिसाले लिखे हैं, 50-100 सफ़े के, 150 सफ़े के, और इस पर मैं समझता हूँ कि मुझे याद पड़ता है कि PhD और MA की थीसीज़ वगैरह भी लिखी गई है। तो इस मसले पर अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी मोटी बात यह है कि चूँकि वह आदमी नाइल्म है, नादान है, उस तक वो बात नहीं पहुँची है, इसलिए वो शख्स माजूर माना जाएगा, वो गुनहगार बिदअत करने की वजह से नहीं होगा। एक बात और भी कह करके बातें ख़त्म करता हूँ मैं। उलमा ने आजकल का ये जो दौर है तरक्की याफ्ता मीडिया का, इसको छोड़ दें आप, अभी इसको जहन में ना रखें। इससे पहले जो किताबें लिखी गई हैं, जब ये सब नहीं था, 50 साल पहले, 150 साल पहले, 150 साल पहले की किताबें आप पढ़ लें, उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको ये मिलेगा, ये सब मिलेगा जो आपको बता रहा हूँ मैं। उसमें मिलेगा कि कोई भी आदमी जो किसी ऐसे सेहरा में रहता हो, कहाँ रहता हो? सेहरा में, जहाँ कोई आने जाने वाला ना हो, ठीक है, या मिसाल के तौर पर इतने दूर दराज इलाके में रहता हो जहाँ तक कोई दावत पहुँचाने वाला ही मौजूद ना हो। अब मीडिया का दौर अगर मानेंगे तब तो सब पहुँच जाएगी, लेकिन मीडिया का दौर छोड़ दीजिए, आदमी को जा कर के पहुँचाना और बताना पड़ता था, उस दौर की बात। कोई आदमी सहरा बयाबान में रहता हो जहाँ कोई जाने वाला ना हो, या कोई इतना दूर दराज इलाकों में रहता हो जहाँ कोई पहुँचने वाला बताने वाला ना हो, तो ऐसी सूरत में वो अगर किसी मसले से ला इल्म है तो उसे माजूर माना जाएगा। इससे इतनी बात तो समझ में आती है कि जब आदमी के लिए इल्म हासिल करने का रास्ता ही कुछ ना हो, सॉल्यूशन ही कुछ ना हो, तभी माजूर माना जाएगा। अगर रास्ता हो, वसीला हो, सोर्सेस मौजूद हों कलम के, ज़बान के, मीडिया के, और उसके बावजूद वो आदमी उस तरफ न जाए, उसको न पढ़े, न सीखे, तो वो जहालत की वजह से माजूर नहीं माना जाएगा। ये इतनी सी बात समझ में आती है। तफसीलात इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम किसी और मौके पर या मुस्तकिल कोई प्रोग्राम करके खिताब में इंशाअल्लाह तबारक इस मसले को बयान करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है। वो जाहिल है, नहीं जानता था, माजूर है। वो जाहिल है, नहीं जानता था, माजूर है। ये कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा भाई, कहाँ किया जाएगा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अवलम नुअम्बिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। अल्लाह ने फरमाया, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी, इतनी उम्र हमने तुमको नहीं दी थी जिस उम्र में अगर तुम नसीहत चाहते तो नसीहत हासिल कर लेते, और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया था, यानी नबी आया, किताबें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आई, उसके बावजूद तुमने इतनी लंबी उम्र पाने के बाद भी नसीहत नहीं हासिल की। मेरे भाइयों, तो कब तक माजूर माना जाएगा, कब तक? और आजकल का जो दौर है तो टेक्नोलॉजी का दौर है। मेरे भाइयों, कोई भी मसला इंसान के सामने पेश आता है, आप बताइए फौरी तौर पर ट्राई करता है कि नहीं ट्राई करता है? वो फ़ौरन मोबाइल खोलता है और जो सर्चिंग साइट सब जा जाकर फ़ौरन तलाश करता है इसका जवाब क्या है। ईरान तुरान के सारे मसाइल को जानता है, हर तरह की इशूज़ में वो कोशिश करता है कि वो जाने की क्या है, सारी चीज़ें जानता है, जानने की कोशिश करता है। आखिर वो मुसलमान है तो अपने इस्लाम और दीन के बारे में इल्म हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं करता? और कितने मेरे भाइयों, मेरे ऐसे भाई हैं, जवान हैं, उम्र रसीदा भी हैं, जो दिन भर मीडिया पर होते हैं, घंटों घंटों मुख्तलिफ चैनलों की खबरें उनके पास होती हैं, लेकिन उसे आप चेक करके देख लें, पता लगा करके देख लें कि वो पूरे पूरे साल गुजर गए होंगे, किसी 1 घंटे की तकरीर को पूरा शुरू से आखिर तक नहीं सुना होगा। नहीं सुना होगा कि घंटे की तकरीर सुन ले, इल्म हासिल कर ले, किसी टॉपिक पर बात हो रही है उससे इल्म हासिल कर ले और अपनी जहालत दूर कर ले। नहीं, हर चीज़ का टाइम मेरे भाइयों, लेकिन टाइम में से किसका नहीं है? इल्म दीन हासिल करने की कोई फुर्सत नहीं है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ अहम है कि जहालत से कब माजूर होगा। इस पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी और मजलिस में बात होगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जदीद मनाहिज और उसका फसाद, उसका बिगाड़ और उसके अंदर जो कुछ भी कमियां हैं उसे जानने की तौफीक अता फरमाए, और जो मनहज सलफ़ का है उम्मत के सहाबा का, ताबीन का, तबे ताबीन का है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उसकी रोशनी में आने की और उसी रोशनी में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।